व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको गोल मसलन का न्यू डिज़ाइन बताऊंगी। इसको मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगी और कैसे मसलन को बनाना है वो भी बताऊंगी, पेंटिंग करके भी। तो देखिए, इस डिज़ाइन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके साइड्स में केतली बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, ये जो बीच वाला डिज़ाइन हमने बनाया है उसको छोटा बड़ा ही बनाना है, ताकि ये लुक अच्छा आता है इसका। छोटा बड़ा बनने से आप डाउटफुल मत होइएगा कि हाँ, इन्होंने छोटा बड़ा बनाया है या कुछ ऐसा। अगर आपको बराबर चाहिए उसका साइज़, तो आप बराबर भी कर सकती हैं, उस आपकी मर्ज़ी। लेकिन छोटा बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है लुक दिखने में, थोड़ा पैटर्न बन जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये हमने बना लिया है। अब ये गोल गोल आप सोचेंगे कि ये है क्या, तो इसको देखिए। ये अभी आपको फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसमें समझ नहीं आएगा आपको। अभी थोड़ा और वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए, जब हम पेंटिंग करेंगे इसकी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या बनाया हमने। यहाँ पे डिज़ाइन होगा एक ब्यूटीफुल सा। तो चलिए, अब फैब्रिक का नाप मेजरमेंट कर लेते हैं। टोटल लंबाई मैंने 35 इंच ली है और चौड़ाई 32 इंच ली है। 35 इंच में से 2 इंच माइनस कर दिया है, ताकि वो जो 2 इंच सिलाई में जाएगा दोस्तों, मसलन को जब सिलते हैं तो नारे उसमें बांधने के लिए डोरी लगाते हैं, तब उसको 2 इंच सिलना पड़ता है, इसलिए तो हमारा टोटल बचता है 33 इंच। अब आप सोच रहे होंगे 11 इंच पे मैं निशान क्यों लगा रही हूँ, तो वो 33 इंच जो हमारा बचा था उसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 11 इंच ही हमारा बनेगा। अगर आपका ज़्यादा लंबा ये मसनद है या फिर कम है, छोटा मसन बना रहे हैं, तो फिर आप कम ज़्यादा उस हिसाब से करना है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। तो इस तरीके से देखिए, उस साइड से भी हमने 11 इंच पर निशान लगाया है, कोने से लेकर हमको मिलाना है। तो इस तरीके से हमें तीनों निशान कम्प्लीट कर लेना है 11 इंच से करके। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। छोटा बड़ा जो भी है दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डिज़ाइन को हम अपने कपड़े पर ड्रॉ करते हैं, ताकि आगे पेंट कर सके। देखिए अब डिज़ाइन को कैसा हमें ड्रॉ करना है। पहले हमें अपना कार्बन रखना है, फिर फ्लावर रखना है, उसके बाद अपना पेन चला कर नॉर्मली ये इसको ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया है, 3 फ्लावर्स और एक साइड में हमारा बना है इस तरीके से। अगर हमारा छोटा फ्लावर है तो और भी अच्छा लगेगा, और मेरा बड़ा था तो बड़ा के हिसाब से ऐसे ही है। तो अब देखिए, ये हमने पेंट करना स्टार्ट किया है। अब देखिए, पेंट को इस तरीके से हमें करना है। पहले वाइट कलर को इस तरीके से बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ दोस्तों, और फिर रेड, ग्रीन और ब्लू से अपने डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे। तो इस तरीके से वाइट कलर को आप शेड देख के, शेड टाइप में बनाइए, देखिए इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, रेड कलर हमें लेना है, रेड फैब्रिक कलर, और अपने फ्लावर को इसी तरीके से पेंट करना है। देखिए, झाड़ देखे, ये झाड़ पेंट नहीं है, ये पेंट फुल पेंट है, मतलब भरा हुआ पेंट है। तो लेकिन इसमें हमने वाइट कलर देके अपना झाड़ के ही तरह हमने बनाना है। देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन बहुत आसान है और काफ़ी इजी भी है, और बनने के बाद काफ़ी प्यारा भी लगेगा, काफ़ी प्रिटी। ये देखिए, इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है हमारा डिज़ाइन, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा दिखने के बाद। इसी तरीके से आप सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों, मैं ये डिज़ाइन इतना ही तक बताऊंगी, और जो 2 फ्लावर्स बचे वो मैं स्किप कर दूंगी। इसी तरीके से पूरे को बना लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ कहीं कहीं पर। तो देखिए, इस तरीके से हमारा फ्लावर कम्प्लीट हो गया है, वो वाला भी, और ये लास्ट फ्लावर है। देखिए, इसको कम्प्लीट कर लीजिए इसी तरीके से फ्लावर को हमारे। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके बीच में लुक आने के लिए बीच में पॉइंट पॉइंट जैसा बना देना है। देखिए, अब ये लीव्स हम बना रहे हैं, इसके बीच में केतली को पहले फिल करेंगे। देखिए, पहले रेड से इस तरीके से केतली बनाना है हमें, केतली को अच्छे से पहले फिल कर देंगे। अब इस पर हमें ग्रीन कलर से साइड के इसके बाहर का बनाना है, जैसे आप साइड में देख पा रही हैं हल्का हल्का सा। देखिए, इस तरीके से ग्रीन कलर लेना है, डार्क ग्रीन लेना है दोस्तों, पेंट का डार्क ग्रीन
नंबर पेंट नंबर है 06। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना लीजिएगा। जो तीनों केतलियाँ हैं आप सारी बना लीजिएगा, मैं सिर्फ एक बना कर दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से बीच में कर देंगे। अब ये लीव्स है, इस तरीके से आप इसको भी कर लीजिए। इसी तरीके से ये लीव्स भी कंप्लीट हो गए, काफ़ी प्यारा लगेगा दोस्तों। ये फ्लावर बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है, बहुत प्रेटी डिज़ाइन है ये। आप इस डिज़ाइन को सिंगल कुशन कवर के लिए, तकिया कवर के लिए भी बना सकती हैं। तकिया में भी आप सिंगल इस तरीके से देकर अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकती हैं। और इस डिज़ाइन को आप बहुत इजी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है तो भी आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकती हैं। काफ़ी इजी है लेकिन दिखने में बहुत प्रीटी और हैवी सा लुक है इसका। ये देखिए, अब इस पर वाइट कलर का शेड हम दे देंगे हल्का हल्का सा इस तरीके से। तो इसे हमारे ना लीव्स पे डिज़ाइन बन जाएगा, शेड का लुक आता है दोस्तों। वाइट कलर देने से लीव्स पर लुक आ जाता है उसका। इसको कंप्लीट कर लीजिए इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ब्लू कलर से जो हमने राउंड बनाया था वो देखिए आप इस तरीके से मैं कैसे बना रही हूँ। इसको ब्लू कलर लेना है ब्रश में। इसके लिए हमें थोड़ा चौड़ा ब्रश लेना है, हल्की मोटाई लेनी है और साइड से चौड़ाई थोड़ी हो। तो ये देखिए इस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, अगर हमारा डिज़ाइन फ्लावर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और तो देखिए दोस्तों ये कम्प्लीट होकर इस तरीके से फ्लावर लगता है। इस डिज़ाइन को देखें तो ये मसलन का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है।